बहनों, हम आज सीखेंगे अक्षर र के तीन रूप। पहचान गई ना, रस्सी ने ही तो बनाया था अक्षर र। अक्षर र को दूसरे अक्षरों से मिलाकर लिखने के लिए उसके तीन रूप प्रयोग में आते हैं। र को उलट दो और इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, वो है इसका एक रूप और दूसरा है नीचे का टेढ़ा हिस्सा। र का तीसरा रूप इसी टेढ़े हिस्से को दो जगह रखने से बन जाता है। एक बार फिर देखें, र, र को उलट दिया, इसका गोलाई वाला हिस्सा है पहला रूप, दूसरा है नीचे का टेढ़ा हिस्सा और इस टेढ़े हिस्से को दो जगह रख दो तो बन गया तीसरा रूप। अरे भाई, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? आदर्श, तुमने तो चौंका देने की आदत डाली है। चिट्ठी में भी नहीं लिखा कि तुम आने वाले हो। आओ बैठो। मैं तो सोच रही थी कि तुम अभी अमेरिका में ही होगे। उस वक्त कैसे लिखता, तब इरादा ही नहीं था। अमेरिका क्यों नहीं गए? बस यूं ही तुम्हारी याद आई और लौट आया। मेरी याद? हाँ। एक दिन बैठे बैठे मैं सोचने लगा, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पिता अमेरिका में करोड़पति हैं। तुम जीवन में हर सुख हर आराम पा सकती थी, लेकिन तुमने अपने एक मकसद, एक उद्देश्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। एक बात बताओ, तुम डॉक्टरी पढ़ने गए थे या संन्यास लेने? अगर मैं जोगिया कपड़े पहनकर जंगलों में निकल जाऊं तो सन्यासी, और अगर किसी मरीज को देखने निकल जाऊं तो डॉक्टर। आदर्श, अगर इसे यूं देखा जाए तो डॉक्टरी तो सबसे बड़ा संन्यास है, लेकिन उद्देश्य सेवा करना हो, धन कमाना नहीं। जानती हो मैं अमेरिका क्यों जा रहा था और फिर किस लिए नहीं गया? मैं क्या जानू, मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने जा रहा था। फिर गए क्यों नहीं? इसलिए कि कहीं तुम इनकार ना कर दो, इसलिए सीधा तुम्हारे पास चला आया कि पहले तुमसे पूछ लूं, फिर तुम्हारे विदेशी पिता से। तुमने ठीक ही किया, मैं शायद उनकी बात नहीं मानती। मेरी बात मानोगी? मैं सिर्फ अपनी माँ की बात मानूंगी। माँ? तुम्हारी माँ तो मर गई है ना। लेकिन आदर्श, मेरी माँ ने मौसी के रूप में जन्म लिया है। अगर मौसी ने हाँ कर दी तो? देखो, अब मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ, मान लूंगी उनका आदेश। सच गीता? लेकिन एक बात याद रहे, हमारे गांव में दहेज का लेन देन बिल्कुल नहीं होता। अरे दहेज नहीं चाहिए, मैं अभी तुम्हारी मौसी से बात करके आता हूँ। अरे ठहरो, सुनो तो। नमस्ते बहनों। बहनों, आज मैं जो कुछ तुम्हारे लिए लाई हूँ ना, उसको देखकर तो तुमको बहुत हंसी आएगी। ये अक्षर कैसे होते हैं? ये कीड़े मकोड़े की तरह हैं। भाई ये है र की मात्राएं। इन मात्राओं को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बताऊं? देखो, ये मात्रा है ऐसे और दूसरी र की मात्रा वो ऐसे लिखी जाएगी। एक और र की मात्रा है, वो है
ये यूं। देखा बहनों कैसी कैसी होती है रागी मात्राएं, अच्छी होती है ना, कोई किसी तरीके की तो कोई कैसी। अच्छा एक बात, इन सब मात्राओं को तुम दोहराती रहना बराबर, और सबको बताती रहना कि इन मात्राओं को ऐसे लिखते हैं। ऐसे, दूसरी मात्रा ये, एक तरीके की, और ये अरे सुधा देखियो बेटी कौन है। जरूर आदर्श भैया होंगे, गौरी अभी आकर बता गई थी। नमस्ते मौसी जी। तेरो बेटा, आओ बैठो। गीता बहन जी ठीक है? हाँ ठीक है भाई। सुना तुम्हारी शादी में ना आने का मुझे बहुत दुख है। ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे ले ले बेटी, भैया इतने प्यार से दे रहा है, ले ले। असल में भैया प्रेम की शादी तो ऐसी हुई कि हमें भी पता ना चला, नहीं तो गीता बहन जी से कम लिखवाती तो सही। हाँ मौसी, गीता ने मुझे बताया था। मेरी नजरों में तो आपकी इज्जत पहले से ही बहुत थी मौसी, लेकिन इस घटना के बाद तो आप मेरी नजरों में और भी महान हो गई हैं। अरे बेटा भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। बता सुंदरपुर वाले इतने लालची ना होते तो सुधा मेरे हाथ से निकल जाती। मौसी इस बात की तो मुझे भी हैरत है भाई, जब इतनी अच्छी लड़की पहले से गांव में थी और प्रेम जैसा लड़का भी, तो फिर प्रेम का रिश्ता सुधा से पहले क्यों ना हुआ? अरे बेटा सुधा मेरे सामने इतनी सी थी बच्ची, अब बच्ची से कब बड़ी हो गई पता ही ना चला, और जब पता चला तब तक उसकी सगाई हो गई थी। ये भी अच्छा ही हुआ मौसी, इस तरह से गांव वालों के सामने एक मिसाल भी हो गई। अरे सब राम जी की कृपा है। मौसी मेरा भी एक काम है। हाँ बोलो बेटा। तुमने अपने बेटी की तो शादी कर ली, क्या बेटी का ब्याह नहीं करोगी? बेटी का? अच्छा गीता का। हाँ मौसी हाँ। मौसी तुम तो जानती हो कि मुझ में सिर्फ एक ही खराबी है और वो है सिगरेट, इसके अलावा मेरे अंदर और कोई खराबी नहीं है। छोड़ दे इसे भी, छोड़ दे, बहुत खराब चीज है। ठीक है मौसी, ये समझ लो कि मैंने आज से सिगरेट छोड़ दी, अब तो अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर दोगी ना मौसी? जरूर करवा दूंगी। अरे तेरी और उसकी तो चंदा और सूरज की जोड़ी है, मेरी बात जरूर मान जाएगी। अरे मौसी वो बहुत जिद्दी है, अब बस तुम ही उसे मना सकती हो। अरे उसने मुझे माँ कहा है तो कैसे नहीं मानेगी मेरी बात, और फिर तुझसे अच्छा लड़का मिल कहाँ सकता है उसे, इतना महान डॉक्टर। ये बात है मौसी, तो मैं आज रुक जाता हूँ, अब ये मैं जवाब जानकर ही जाऊंगा। अरे तू हाँ ही समझ, मुझे गीता पे भी भरोसा है और अपने ऊपर भी। अरे मौसी तुम शाम तक तो उससे बात कर ही लोगी, तो मैं रुक ही जाता हूँ। अरे जरूर कर लूंगी। सुधा। हाँ माँ जी। बेटा भैया के लिए कुछ खाने को तो ला। अभी लाई। पहचाना ये क्या है? ये है ट्रक, दर्शन सिंह का ट्रक। ट ट के नीचे र क ट्रक, इसे तो पहचानती ही हो। छाया देने वाला वृक्ष, व व के नीचे री और क्ष वृक्ष। अरे ये तो बहुत वर्षा हो रही है, वर्षा व श आ का डंडा और श पर र वर्षा। ट ट के नीचे र, ऊपर एक ही मात्रा, आधा क ट और र बन गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के उपयोग से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं।
देख बेटी, मैं तो यूं कहूं कि तुझे आदर्श से अच्छा पति ना मिलने का। मौसी, मैं आदर्श को उन दिनों से जानती हूं जब वो पढ़ता था, और मैं ये भी जानती हूं कि वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैं ये रिश्ता मंजूर समझूं? नहीं मौसी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं, मगर क्यों बेटी? मौसी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। इसमें मजबूरी कैसी? मौसी, मेरी माँ अनपढ़ थी और मेरे पिता का छोटा सा व्यापार था, लेकिन जब मैं पैदा हुई ना तो उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहुत भाग्यवान मानते थे मुझे। ठीक ही तो समझते थे। उस व्यापार से जब उनके पास पैसे आने लगे तो वो अमेरिका चले गए और वहां जाके दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ को छोड़ दिया। बेटी, तेरी माँ का क्या हुआ? मर गई कुछ बरसों बाद। उन्हें अपने अनपर होने का बहुत दुख था, इसलिए उनकी मौत के बाद मैंने फैसला किया कि मैं गांव जाऊंगी और हर एक को पढ़ाऊंगी। ये तो इस गांव का भाग्य है कि तेरी जैसी लड़की इस गांव में आई। मौसी, आदर चाहेगा ना कि शादी करने के बाद मैं उसके साथ शहर में जाके रहूं। इतना बड़ा सा अस्पताल है उसका, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, लेकिन मैं गांव छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, ये तो सोचने की बात है। मौसी, तुम आदर से कहना कि वो मुझसे खुद बात करे। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर बेटी, तो ठीक से सोच ले और कोई ऐसा रास्ता निकालियो जो बीच का हो। मैं आपकी बात याद रखूंगी मौसी, लेकिन मेरा मन कहता है ये शादी नहीं हो सकती। ऐसी अशुभ बात मत बोले बेटी। ता रा का स्वर का ट्रक, व शा रा का स्वर आ का डंडा वर्षा, क री का स्वर श छोटी की मात्रा कृषि, वा छोटी ई की मात्रा का रा का स्वर बड़ी की मात्रा बिक्री, पा रा का स्वर धा आ का डंडा ना प्रधान, ट रा का स्वर ए की मात्रा आधा का ट रा ट्रैक्टर, बहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर ग्य। अक्षर ज को पहचानती हूँ ना, अब ज की नाक पकड़कर मोड़ दो नीचे की ओर, बन गया ग्य। ये है ज, ज की नाक पकड़कर मोड़ दी नीचे की ओर, बन गया ग्य। देखिए ये पर्चे मेरे पास हैं, इन्हें भरकर दाखिल करना है। हमारे गांव से 5 लोग चुने जाने हैं। मैंने आप लोगों से प्रार्थना की थी कि आप 5 नाम चुनकर ले आएं जिन पर सबकी सहमति हो। अब बताइए क्या आपने ऐसा कर लिया? जी हाँ, ऐसा कर लिया है। इसमें पहला नाम है, वो तो आप ही का है। भाई मुझे रखने दो। अरे मुझे अब इस उम्र में कहाँ घसीटते, कुछ नए लोगों को मैदान में लाओ। नए लोग भी हैं, आपके अलावा बाकी सब लोग नए हैं। मेरा गांव वालों की ओर से आपसे अनुरोध है कि आप इसे मान लें। जैसे फिर गांव वालों की इच्छा। दूसरा नाम है रहीम चाचा का। वैसे वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हज करके जल्दी ही लौट आएंगे। क्यों गांव वालों, मंजूर है? मंजूर है।
और तीसरा नाम है गोवर्धन चाचा का। हाँ गांव वालों, ये बताओ ये नाम मंजूर है आपको? हाँ हाँ हाँ। आपका आदेश था कि दो पंच औरतें हों? आदेश नहीं भाई, अनुरोध था। उनमें पहला नाम कमला का है। कमला पढ़ी लिखी भी है और जो काम वो कर रही है वो बहुत बड़ा काम है। क्यों गांव वालों, मंजूर है? हाँ हाँ हाँ। और पांचवा नाम मेरी माँ सीता देवी का है। सीता देवी? सीता देवी हमारे लिए बहुत आदरणीय है, मगर ये नियम भी तो हम ही ने बनाया है कि हमारे ग्राम सभा का हर एक पंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो आप लोगों ने फैसला किया मेरे बारे में, मुझे वो मंजूर है। मैं तो बस यही कहने के लिए आई हूँ कि मैं अब पढ़ना लिखना जानती हूँ। बोलिए सरपंच जी, कहाँ लिखूं और क्या लिखूं? आ बेटी, सरपंच जी ये है मेरी गुरु, इसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। नमस्ते। क्यों भाई, तुम लोग तैयार हो ना? देखो आज मैं बहुत ज्ञान का अक्षर लेकर आई हूँ, जिसको कहते हैं ज। इसको लिखना तो बहुत ही आसान है, तो लिखे। पहले ये घूमी हुई लकीर, फिर हल्की सी छोटी सी बिंदी और बिंदी से मिलाकर ये डूम वाली लकीर, ऊपर ये लेटी हुई लकीर, फिर वही खड़ा डंडा। एक चीज और रह गई, वो है छत वाली लकीर। ये बन गया ग्या। एक बार फिर देखें। घूमी हुई लकीर, बिंदी, डूम वाली लकीर, लेटी लकीर, खड़ा डंडा और छत वाली लकीर, बन गया अक्षर ज्ञ। और ये बन गया अक्षर ज्ञ। समझ आ गया ना? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी ही आऊंगी, मेरा इंतजार करना। तुमने मौसी से बात की थी? हाँ। मौसी तो मान गई है? मैं जानती थी कि मौसी मान जाएंगी। तो फिर तुमने मुझे मौसी के पास क्यों भेजा? इसलिए कि मैं सोचने के लिए कुछ समय चाहती थी। मैं ऐसा ना करती तो तुम मुझे मोहलत ही कहाँ देते? तो तुमने क्या सोचा? देखो आदर्श, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए तो चाहता हूँ कि हम जीवन भर साथ रहें। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद मैं कहाँ रहूंगी? शहर है मेरे साथ, और कहाँ? और तुम? शहर में। जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गांव किस लिए आई थी। देखो गीता, तुम्हारा ये काम बढ़ाने के लिए अब गांव में दो लड़कियां हैं जो ये काम कर सकती हैं। तुम्हारा इशारा कमला और सुधा की तरफ है? हाँ। आदर्श, कमला गांव में दूसरे तरह का काम कर रही है और बीच मझधार में मैं उसे ये काम नहीं छुड़ा सकती हूँ। रही सुधा की बात, उसने आगे क्या करना है इसका फैसला उसका पति और वो करे। गीता, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जिन्हें हम गांव में भेज सकते हैं, और रही उनकी तनख्वाह की बात, अगर ये पंचायत वाले नहीं देंगे तो हम दे देंगे। बस यही बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। आदर्श, अगर तनख्वाह देकर भेजने की बात होती तो अभी तक मैं बहुत से लोगों को भेज चुकी होती।
आखिर तुम ही क्यों? इसलिए कि नारी को शिक्षित बनाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। आदर्श, इन छोटी छोटी बच्चियों में मैं अपनी माँ को देखती हूँ जो पढ़ नहीं पाई थी और जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था। नहीं आदर्श, नहीं, मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकती। देखो गीता, तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं और इंतजार कर सकता हूँ। नहीं आदर्श, फिर बहुत देर हो जाएगी। अपने लिए तो मुझे लगता है अभी भी देर हो चुकी है। तुम अपना जीवन संवारो, मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ, यज्ञ। शिक्षा से मिलता है ज्ञान। ज्ञ आका डंडा, न ज्ञान। ज्ञान से जीवन का अंधकार दूर होता है। ज्ञान जिसे मिल जाए उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञ आ न बड़ी ई की मात्रा, ज्ञानी। व, व पे छोटी ई की मात्रा, ज्ञ आ न विज्ञान। हमारे आसपास की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें समय, नाप तौल, मौसम आदि की जानकारी मिलती है। इस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अम्मा, आज तो मूली के पराठे खिला दे तू। मूली के पराठे? सुधा। हाँ मौसी। बेटा, इसके लिए मूली के पराठे बना दे आज। अरे नहीं अम्मा, पराठे तो मैं तेरे हाथ के खाऊंगा। अरे बेटा, सुधा मुझसे अच्छे पराठे। अरे मुझे नहीं पता अम्मा, पराठे तो मैं तेरे हाथ के खाऊंगा। परेम बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी छुट्टी? अरे हाँ अम्मा, छुट्टी तो खत्म हो गई, मैं परसों चला जाऊंगा। सुधा, पानी दियो जरा। साल भर एक एक दिन करके तेरे आने के दिन की इंतजार करूं, और जब तू आ जावे तो उसी दिन से तेरे जाने का दिन याद कर करके मुंह सूख लगे। ये सोच माँ, मैं जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी वापिस आऊंगा। इस बेर इतनी खुशी मिली, तेरा ब्याह हुआ, सुधा मेरे घर पे आ गई, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी कभी। मौसी, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे बेटे से भी ज्यादा सेवा करूंगी मैं तेरी। मैं जानू बेटा, अच्छी तरह जानू, पर इस दिल का क्या करूं? अच्छा अम्मा, मैं यूं करूंगा, शहर में एक मकान ले लूंगा, फिर तू वहीं चली आना। ना बेटा, जीते जी अभी एक गांव छूटने का नहीं, तू ही जा। चल पराठे बना दूं तेरे। अम्मा तू बैठी है, सुधा बना देगी। सारा गांव मेरी खिल्ली उड़ा बैठा कि तू पढ़ने क्यों ना आती, पढ़ने क्यों ना आती। मैं भी जानू कि शिक्षा मनुष्य का कल्याण करे, विद्या ऊंचा उठावे उसे, पर मैं कैसे भूलू कि हमारी शिक्षा ही तो तुझे मुझसे दूर कर गई है। ये अम्मा तू कैसी बातें सोचने लगी, मैं बेपढ़ा मजूरी करता यही चाहती है ना तू? तू अपने प्यार में विद्या को भी भूल गई। मौसी, गीता बहन जी को देख लो, शहर में पढ़ी लिखी लेकिन अब कैसे गांव में रह रही है। हाँ बेटा, ये बात मेरी भी समझ में आ गई, आना जाना तो सब संजोग की बात है। अब मैं, तू एक काम कर, तू स्कूल जाना शुरू कर दे। अरे बेटा, गौरी आवे तो पढ़ाने मुझे। देख अम्मा, तू इस गांव की पंच है,
अगर तू स्कूल जाएगी तो गांव की दूसरी औरतें भी स्कूल आने लगेंगी। मैं तो जाने लगूंगी, पर तू जाने आपका गया कब लौटेगा? ले, जब तू बुलाएगी तब आ जाऊंगा। यज्ञ आ का डंडा न ज्ञान आ का डंडा न बड़ी की मात्रा ज्ञानी अ ज्ञा आ का डंडा न अज्ञान वा छोटी ई की मात्रा क्या आ न विज्ञान। शिक्षा दे जला के अपनी मंजिल पाना।